चुकंदर पराठा बनाने के लिए हमने लिया है 250 से 300 ग्राम गेहूं का आटा, एक बड़ा सा चुकंदर, एक प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च, काला नमक, अजवाइन और देसी घी। चुकंदर पराठा दो तरह से बनाया जा सकता है, एक तो भरावन जैसे दाल ये सब हम भर के बनाते हैं उस तरह से, और दूसरा हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, आटे में ही कद्दूकस कर लेंगे चुकंदर को, क्योंकि भरावन वाले पराठे को बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, आटे में गूंथ कर बनाए हुए रंग बिरंग पराठे बच्चे खा जाएंगे आसानी से। अब इसमें प्याज मिलाएंगे, हरी मिर्च मिलाएंगे, काला नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच अजवाइन डाल देंगे टेस्ट के लिए, फिर इसको अच्छे से मिलाकर गूंथ लेंगे। अब ये चुकंदर पराठा का आटा गूंथ चुका है, अब इसको हम पराठे को बनाएंगे। तवा गरम हो चुका है, अब इसमें हम पराठे को सेकेंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेकेंगे, जब सिक जाएगा उसके बाद इसमें हम देसी घी लगाएंगे। एक साइड से ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें देसी घी लगा देंगे। ये चुकंदर पराठा तैयार है, इसको आप रायता के साथ, सब्जी के साथ